हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई, जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक GK क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भादला सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान CCMB के लिए केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? तो उत्तर है आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में उत्पन्न होती है? तो उत्तर है तिब्बत। करंट अफेयर के क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित कोरोना अध्ययन के तहत साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद पर 7 टाइटल लॉन्च किए हैं, तो वर्तमान मानव संसाधन मंत्री कौन है? उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल बुक ट्रस्ट NBT भारत द्वारा ई लॉन्च प्रिंट के साथ साथ 7 किताबों के सेट के ई संस्करण साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विथ को कोरोना अध्ययन श्रृंखला के तहत प्रकाशित किया। ये पुस्तकें बड़े पैमाने पर लोगों की मानसिक भलाई के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगी। NBT के चेयरमैन है गोविंद प्रसाद शर्मा और इसका हेडक्वार्टर बसंतगंज दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी है? तो जिसका उत्तर है फेंग फेंग। चीनी साहित्यकार फेंग फेंग द्वारा लिखित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी के नाम से ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है, जो कोविड-19 के दौरान 7 दिनों के लॉकडाउन का दस्तावेज है। पुस्तक 15 मई 2020 को एक ई बुक प्रारूप में भारत में जारी की गई थी, जिसे हॉर्पर नॉन फिक्शन द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उज नदी पर बहुउद्देशी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संशोधन को मंजूरी दे दी है। उज नदी किस नदी की सहायक नदी है? जिसका आंसर है रावी। केंद्र ने जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी के मुख्य सहायक नदी उज बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 9,167 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी। जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2019-20 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमान क्या है? तो जिसका आंसर है 295.67 मिलियन टन। प्रमुख फसलों के उत्पादन का कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2016-17 फसल वर्ष के बाद से लगातार 4वें वर्ष 2019-20 में सर्वकालिक उच्च 295.67 मिलियन टन का रिकॉर्ड प्राप्त करने का अनुमान है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका निर्वाचन क्षेत्र मुरैना मध्य प्रदेश में है, और राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल में ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होने वाली मंडियों की कुल संख्या कितनी है? तो जिसका आंसर 1,000। कृषि मंत्रालय ने घोषणा की कि ई नाम पोर्टल की 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में देश भर में 1,000 मंडियों तक पहुंच हो गई है। 38 नए मंडियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल के ई नाम मंच के साथ एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2022 तक कितनी क्षमता की नवीनीकरण ऊर्जा स्थापना लक्ष्य का निर्धारित किया है? जिसका आंसर है 175 गीगावाट। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर से 100 गीगावाट, हवा से 60 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 10 गीगावाट
और छोटी पवन बिजली से 5 गीगावाट शामिल है। IEEF है का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसका मुख्यालय क्लीवलैंड ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ $413.8 मिलियन की सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और AIIB बैंक के साथ $145 मिलियन के 2 ऋण समझौते किए हैं, जिसका आंसर पश्चिम बंगाल। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र DVCA में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के साथ 2 ऋण समझौते किए हैं। परियोजना का कुल परिव्यय $413.8 मिलियन है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना के लिए $123.8 मिलियन का निवेश किया है, और जिसमें से पहला $145 मिलियन के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया गया है, और अन्य समझौते में $145 मिलियन के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के साथ समझौता किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है Washington DC अमेरिका में, और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, और जिसकी सदस्य देश हैं 189 कंट्रीज। और AIIB का मुख्यालय है बीजिंग चीन में, जिसके प्रेसिडेंट हैं जिन ली कुन, जिसके सदस्य 102, जिसमें 80 सदस्य और 22 भावी सदस्य हैं। और पश्चिम बंगाल के CM हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और राजधानी है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने किस राज्य के लिए ₹1500 करोड़ स्वीकृत किए हैं, तो जिसका आंसर है पंजाब। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड बैंक ने COVID-19 महामारी के बीच राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए पंजाब के लिए ₹1500 करोड़ मंजूर किए हैं। कुल राशि में से ₹1000 करोड़ पंजाब राज्य सहकारी बैंक को और ₹500 करोड़ पंजाब ग्रामीण बैंक को मंजूर किए गए हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश कुमार चिब्बर को 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD नियुक्त किया गया है, तो आंसर है जुबैर इकबाल। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को 3 साल की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक के लिए प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। एक अन्य आदेश में राजेश कुमार चिब्बर, जो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD और अध्यक्ष हैं, को 3 साल की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी टैगलाइन है सेविंग टू एम्पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS की लागत क्या है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अनुमोदित किया था, तो जिसका आंसर है 400 करोड़। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के लिए परीक्षण बुनियादी ढांचा तैयार करने और घरेलू रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹400 करोड़ की लागत के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS शुरू करने को मंजूरी दी है। DGQA का मुख्यालय है न्यू दिल्ली इंडिया में, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय चौहान, और राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पैनल का नेतृत्व किया है, जो कृषि को कॉरपोरेट बनाने और स्किलिंग कार्यक्रमों के साथ मनरेगा को ब्लैक करने के लिए भूमि पूलिंग का प्रस्ताव करता है,
तो आंसर है थावरचंद गहलोत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की अगुवाई में रोजगार और कौशल विकास मंत्री की अगुवाई में मंत्रियों के एक समूह ने प्रस्तावों का एक सेट तैयार किया, जिसमें कृषि को कारपोरेट बनाने के लिए भूमि पूलिंग, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा शामिल है। असंगठित क्षेत्र के लिए निगम ईएसआईसी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का विलय करता है। ईएसआईसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं अनुराधा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड से स्टेरिन गैस के रिसाव की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय उच्चाधिकार समिति के प्रमुख का नाम बताइए, जिसका आंसर है नीरव कुमार प्रसाद। आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम में आरआर वेंकटपुरम स्थित एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड से स्टेरिन गैस के रिसाव के कारणों की जाँच करने के लिए नीरव कुमार प्रसाद की अगुवाई में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। पैनल को 1 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, इसके यहाँ के सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन और राज्य का फूल है राजपुष्प है जासमीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ऑफ सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी आईआईसीबी ने किस आईआईटी के साथ मिलकर पार्किंसंस रोग को समझने के लिए एक उपाय किया है, जिसका आंसर है आईआईटी आईएसएम धनबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी धनबाद, जिसका दूसरा नाम है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पार्किंसंस रोग को समझने के लिए, जो बिना इलाज के एक सामान्य न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, के लिए एक तरीके की खोज की है। आईआईटी आईएसएम धनबाद के डायरेक्टर हैं राजीव शेखर, जिसकी डिप्टी डायरेक्टर हैं जेके पटनायक, जिसका मेन कैंपस है शानबाद झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद विश्वविद्यालय और सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी सीसीएमबी ने कोविड-19 महामारी के लिए तत्काल उपचार के एंटीबॉडी आधारित इम्यूनोथेरेपी विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, जिसका आंसर है विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। हैदराबाद विश्वविद्यालय और सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कंप्यूटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी सीसीएमबी ने विंस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है, जो एक एंटीसेरा निर्माण कंपनी है जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के बायोनेस्ट इक्यूबेशन सेंटर में विकसित होती है, ताकि एंटीबॉडी को विकसित किया जा सके। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं जस्टिस एल नरसिम्हा मूर्ति, जिसका मोटो है सा विद्या या विमुक्ति, मतलब शिक्षा से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसआईआर ने महामारी विज्ञान को समझने के लिए इंटेल इंडिया और किस आईआईआईटी के साथ मिलकर एक तेज और लागत कुशल कोविड-19 नैदानिक समाधान विकसित किया है, जिसका आंसर है आईआईआईटी हैदराबाद। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च सीएसआईआर ने इंटेल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए तेजी से और किफ़ायती नैदानिक समाधान विकसित किया है। इंटेल के चेयरमैन हैं डॉक्टर उमर इशरक, जिसके सीईओ हैं रॉबर्ट एच स्वान और वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटेल इंडिया के निवृत्ति रॉय, और आईआईआईटी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं पीजे नारायणन, जिसका गठन 1998 में हुआ था। आंसर ऑफ द लास्ट डे, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो कल का क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सी परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसका आंसर है कोवस 6800। क्वेश्चन ऑफ द डे, किस भारतीय राज्य के शिक्षा विभाग ने वीडियो व्याख्यान के माध्यम से
राज्य के छात्रों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।